कोरोना का बढ़ता प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना बुलेटिन के अनुसार इंदौर में 129 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं नगर निगम के जन्म मृत्यु पंजीयन विभाग में कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव मिलने से पूरे विभाग में दहशत का माहौल देखने को मिला। नगर निगम के जन्म मृत्यु पंजीयन विभाग में एक कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद पूरे विभाग में सनसनी फैल गई है। विभाग के अन्य कर्मचारियों में दहशत का माहौल बन गया है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कल तक कोरोना संक्रमित कर्मचारी कार्यालय में ही काम कर रहा था। वहीं निगम आयुक्त ने जन्म मृत्यु पंजीयन विभाग को बंद करके सैनिटाइजेशन कराने के निर्देश देते हुए प्रोटोकॉल के तहत सहकर्मियों की जांच के भी आदेश जारी किए हैं। अपना स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, कोरोना से कोई पॉजिटिव मरीज अगर होता है और उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में कोई भी आता है तो उन सभी लोगों को हम लोगों को पहले आइसोलेट करना पड़ता है। तो इसीलिए जो उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में उसी एटमॉस्फेयर में जो काम किए होंगे वो पूरे अपने कर्मचारियों को हम लोगों ने ऑलरेडी क्वारंटाइन में करने के लिए बोल दिया है। और किसी को भी अगर सिम्टम्स आते हैं अगले 2-3 दिन में उन लोगों की पूरी सैम्पलिंग भी की जाएगी और निर्धारित प्रक्रिया के तहत हम लोग जो भी कार्रवाई करना है वो करेंगे। अभी के लिए हम लोगों ने अपना जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के जितने भी अपने डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में कर्मचारी है सभी लोगों को कर दिया है और केंद्र को भी हम लोग प्रिवेंटिव इसके लिए वो बंद भी किया है। और सभी लोगों से यही निवेदन है कि ऑनलाइन के माध्यम से भी सभी लोग जो है अपना जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं, तो ऑनलाइन के माध्यम से ही वो एप्लीकेशन जो भी है कर। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। देवास जिले की बात करें तो यहां अब तक के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। एक दिन में 32 पॉजिटिव रिपोर्ट्स के साथ कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स, इंदौर।